भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल हमने षष्ठ अध्याय के प्रथम आह्निक में वेदों की वाक्य रचना के बारे में, वेदों के कर्म जो लौकिक कर्म हैं उनके बारे में, दान के बारे में, आत्मा के गुणों के बारे में और भोजन के बारे में और समाज में पारस्परिक सहयोग के बारे में, ये हमने कल अध्ययन किया था। आज द्वितीय आह्निक में वैयक्तिक सद अनुष्ठान और व्यवहार, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मानव में बुराई और भलाई, उपधा और अनुपधा का स्वरूप पढ़ेंगे। उपधा रूप कर्म होते हैं, कुछ अनुपधा रूप कर्म होते हैं, तो उनका क्या स्वरूप है ये पढ़ेंगे। शुचि और अशुचि का उपभोग, शुचि का उपभोग करना चाहिए, अशुचि का उपभोग नहीं करना चाहिए। शुचि और अशुचि का स्वरूप क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। विधान के विपरीत अशुचि, अशुचि केवल शुचि का विपरीत ही नहीं है बल्कि बाहर से शुचि दिख रहा हो कोई वस्तु जैसे भोजन आदि, लेकिन वो किसी गलत भावना से, गलत तरीके से उपलब्ध हुआ है तो उसको भी अशुचि ही कहेंगे। तो ये जो विधान के विपरीत जो भी है वो सब क्या है, अशुचि है। विधान तीन काम करते हैं हमारे जीवन में, एक ईश्वर का विधान, एक समाज का विधान या समाज का कह लो या शासन का कह लो, और एक हमारा अपना आत्मा का विधान है। उन तीनों विधानों के विपरीत हम जो भी करते हैं वो सब अशुचि की कोटि में आएगा। ईश्वर के विधान के विपरीत जो बोलते हैं, सोचते हैं, करते हैं, वो सब क्या है, अशुचि। तो हमें बहुत अपना निरीक्षण करना पड़ेगा कि जो भी मैं सोचता हूँ, जो भी मैं बोलता हूँ या जो भी मैं करता हूँ वो सब ईश्वर के विधान के अनुसार है या उस विधान के विपरीत जा रहा है। ऐसे ही जो भी मेरा, जो मैं बोल रहा हूँ, सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ वो समाज के विधान के अनुसार है या उसके विपरीत है, और ऐसे ही मेरी अपनी आत्मा के विधान के अनुरूप है वो, ऐसा सोच के मेरी आत्मा को प्रसन्नता मिल रही है या कष्ट हो रहा है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि उससे हम ही दुखी हो जाते हैं, तो उस समय क्या निर्णय लेना चाहिए हमें कि जो मैंने सोचा ये मेरी आत्मा के विधान के विपरीत था, इसलिए क्या है मेरे लिए, ये अशुचि है और मुझे अशुचि का सेवन नहीं करना चाहिए। तो अपनी आत्मा के विधान के या ईश्वर के विधान के या समाज के विधान के विपरीत जो भी किया जाएगा वो सब अशुचि है, ये पढ़ेंगे आज। फिर धर्म अधर्म प्रकरण पढ़ेंगे, राग द्वेष का कारण क्या है, इच्छा और द्वेष से भलाई और बुराई में प्रवृत्ति, जन्म और मृत्यु का कारण, और फिर प्रशस्त पाद भाष्य में इच्छा, द्वेष और प्रयत्न ये बताया है, और अंत में मोक्ष का उपाय बता करके संसार अपवर्ग प्रकरणम। तो अब हम द्वितीय आह्निक शुरू करते हैं, पृष्ठ संख्या 310, अथ षष्ठाध्याय द्वितीय आह्निकम। प्रथम आह्निक में वैदिक कर्मों का संक्षेप से वर्णन किया, अब दूसरे आह्निक में उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। पहले उन कर्मों के अनुष्ठान से होने वाले फल की विवेचना कर लेते हैं कि जो भी हम लौकिक या वैदिक कर्म करते हैं उनके विधान का फल क्या है। तो पहला सूत्र बोलिए, दृष्टादृष्ट प्रयोजनानाम दृष्टाभावे प्रयोजनम अभ्युदयाय। दृष्ट अदृष्ट प्रयोजनानाम, हम जो कर्म करते हैं वो दो प्रयोजन वाले होते हैं, कुछ दृष्ट प्रयोजन वाले होते हैं, कुछ अदृष्ट प्रयोजन वाले होते हैं। तो दृष्ट अदृष्ट प्रयोजनानाम कर्माणाम दृष्टाभावे, दृष्ट प्रयोजन का अभाव होने पर। दृष्ट प्रयोजन क्या है, जो हमें इसी जन्म में उनका फल मिल जाता है, लौकिक फल मिल जाता है। ऐसे कर्म भी करते हैं ना, हम खाना खाते हैं तो किस लिए करते हैं,
भूख मिटाने के लिए, तो उसका फल दिखता है तुरंत। स्नान करते हैं, ये भी एक कर्म है, तो उससे शरीर की अशुद्धि दूर होती हुई दिखाई देती है। ये सारे क्या हैं? दृष्ट फल हैं। आप यज्ञ करते हैं, वायुमंडल में एक सुगंध की उत्पत्ति होती है, दुर्गंध का नाश होता है, तो ये कैसा फल है? दृष्ट है। दृष्ट अभावे, और जिन कर्मों में दिखाई नहीं दे रहा है, आप उपासना कर रहे हैं, ये भी तो एक कर्म है, लेकिन उसका फल आपको तो दिखाई देगा, लेकिन दूसरों के लिए क्या है? वो अदृष्ट है, उनको नहीं दिखाई देगा। अनुमान प्रमाण से तो उनको भी दिखाई देगा, लेकिन ऐसे दिखाई नहीं देगा जैसे कोई व्यक्ति नौकरी पे जा रहा है, कर्म कर रहा है 5-7 घंटे, और फिर उसको वेतन मिल जाता है, तो वो दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो कर्म कर रहा है उसका फल है, इसको इतने 1000 रुपये तनख्वाह मिलती है। तो कुछ कर्म ऐसे हैं जो दृष्ट फल वाले हैं, दृष्ट प्रयोजन वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो अदृष्ट प्रयोजन वाले हैं, माने उनका फल दिखाई नहीं देता है, या तो फिर अनुमान आदि से कुछ थोड़ा बहुत उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस व्यक्ति के वाणी व्यवहार आदि ऐसे ऐसे हैं, तो इसका मतलब ये ऐसा पुरुषार्थ कर रहा है। यदि वैसा पुरुषार्थ नहीं कर रहा है तो भी दिखाई देता है कि भाई ये व्यक्ति ना बोलता तो बहुत है, बातें तो बड़ी बड़ी बनाता है, लेकिन इसके आचरण व्यवहार आदि में वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो ये अनुमान प्रमाण से क्या जाना कि जो ये बोल रहा है वैसा ये स्वयं आचरण नहीं करता है। और ये बोलने का भी कल हम चर्चा कर रहे थे ना कि हमें जो भी जहाँ से हमें अच्छा मिला तो वो हमें दूसरे को देना चाहिए। ये भावना तो बहुत अच्छी है, ऐसा करना भी चाहिए, लेकिन कई बार व्यक्ति क्या करता है कि उसको बहुत जल्दी होती है दूसरे को बताने की, जैसा किसी पुस्तक में पढ़ा, कहीं से सुना, या कहीं टीवी पे देखा, जो भी, तो वो तुरंत दूसरे को बताना चाहता है। या घर में भी हम देखते हैं जो चीज़ हमें अच्छी लगी तो तुरंत हम अपने सारे परिवार के ऊपर वो थोपना चाहते हैं। जैसे मान लो हमें अच्छा लगा सुबह सुबह उठ करके व्यायाम करना, प्राणायाम करना, तो तुरंत ही हम क्या चाहते हैं, बच्चे भी उठ के प्राणायाम किया करें, पति भी किया करें, पति करता है तो पत्नी भी किया करे, हम दूसरों के ऊपर वो उसकी जल्दी होती है हमें। और फिर यदि वो वैसा नहीं करते हैं तो हमें फिर लगता है हम दूसरों को बताते हैं, अपने गुरुओं को बताते हैं, जी मैं तो करता हूँ, ये मेरे परिवार को और समझाओ, ये ऐसा नहीं करते हैं। कहीं हम इरिटेट होते हैं उनके आचरण से, हम चाहते हैं ये भी बदल जाएं तुरंत। तो ये इस बात का सिग्नल है कि अभी मैं पूरा उस ज्ञान के अनुसार बदला नहीं हूँ, माने मैं जो जान रहा हूँ ना, जो बौद्धिक ज्ञान है, जैसा मैंने जाना उसको अभी मैंने नहीं जिया है। मैं जीऊँगा तो उसका लक्षण क्या होगा, दिखाई क्या देगा, फिर इरिटेट नहीं होऊंगा मैं, चाहूँ तो गा कि दूसरा भी ऐसा बने, पर वो नहीं बनेगा तो वो जिस भी रूप में है उसको मैं स्वीकार करूँगा और अपने आप को भी स्वीकार करूँगा, मैं जैसा भी हूँ। हम स्वीकार नहीं करते हैं ना, खुद को भी नहीं करते हैं, दूसरे को भी नहीं करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा उसकी जल्दी नहीं करनी चाहिए, उसको थोड़ा सा पहले 10-20-50 बार जब अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लिया हमने, तो फिर हम ये मानेंगे कि ये जो मैंने वहाँ से सुना था या पढ़ा था ये अब मेरा हो गया, अब मैं दूसरे को बता सकता हूँ, उसका अधिकारी हूँ। महात्मा गांधी के पास कोई बच्चे को लेके गए थे ना कि इसको बहुत फुंसी हो रही है और गुड़ बहुत खाता है ये, तो उन्होंने कहा अगले हफ्ते आना, और अगले हफ्ते गए तब क्या बताया कि इसको गुड़ मत दिया करो, गुड़ मत खिलाया करो। तो ये बात तो उसी दिन कह देते, मैंने ही कहा था ये बात तो कि गुड़ बहुत खाता है इसलिए फुंसियाँ होती हैं, इसके लिए मेरे को अगले हफ्ता बुलाने की क्या ज़रूरत थी। तो बोले इसलिए बुलाया कि उस समय तक मैं भी गुड़ खाता था, तो जब मैं ही खाता था तो मैं आपको कैसे कहता, इस बच्चे को कैसे कहता कि गुड़ मत खाया करो। तो हम जो चीज़ हमने कहीं सुनी या पढ़ी उसको पहले 5-8-10 बार अपने जीवन में हम उसको अप्लाई करके देख लें कि ये ठीक है। जैसे हम कई दिन से चर्चा कर रहे हैं कि हमें नेगेटिव थॉट्स नहीं क्रिएट करने चाहिए, या हम चर्चा कर रहे हैं कि मेरे सुख या दुख का क्रिएशन
मैं खुद करता हूँ, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। फिर उसको देखें जीवन में, रोज घटनाएं होती हैं सुबह से शाम तक, और हम जहाँ जहाँ डिस्टर्ब होते हैं, जैसे मान लो आपकी सुबह सुबह किसी को जगाने में ड्यूटी है, आपकी किसी को हवन पे ले जाने में ड्यूटी है, या और कहाँ कहाँ ड्यूटियाँ लगती हैं आप लोगों की, यीशु जी की किस में ड्यूटी है, पूरी दिनचर्या में ड्यूटी है, और हम देख रहे हैं कि इस व्यक्ति को मैं रोज बताता हूँ और वो सुनता नहीं है, वो सुनता नहीं है, वो जो उल्टा करता है वो एक परिस्थिति है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, मेरे वश में नहीं है ना, वो तो उस व्यक्ति के वश में है, पर उसकी उस परिस्थिति से मेरे ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसको मैं कम या ज़्यादा कर सकता हूँ या नहीं। क्योंकि मैंने क्या सुना था, मैंने ये सुना था कि मेरी मनस्थिति का जिम्मेदार मैं हूँ, तो ये तो परिस्थिति है, अब इसके अनुसार मुझे कष्ट भी हो रहा है, तो ये कष्ट मेरे को कितनी देर करना है, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, और हम देखेंगे कि हाँ ठीक है मेरे को 1 मिनट करना है, तो 1 मिनट मेरे को बुरा लगेगा, उसके बाद मैं नॉर्मल हो जाऊंगा। आपने ऐसा करके देखा और बिल्कुल वैसा ही हुआ, जितनी देर के लिए आपने इरिटेट होना स्वीकार किया उतनी देर के लिए बुरा लगा, उसके बाद बुरा नहीं लगा, मेरी ड्यूटी थी इसको कहना, मैंने कह दिया, इतनी देर के लिए मेरे को दुखी होना था, मैं हो लिया, अब ख़त्म, कट, उसके बाद मैं नहीं हुआ। ऐसा आपने 5, 7, 10 दिन करके देखा और वो वैसा ही हुआ जैसा आपने सोचा था, जैसा आपने देखा, अब आप 10 दिन के बाद दूसरे व्यक्ति को ये बात बड़े कॉन्फिडेंस से कह पाएंगे कि जो जो भी हमारे अंदर क्रिएशन है वो हमारी अपनी है, दूसरा भी उसमें निमित्त बनता है, इसको बिल्कुल इसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि दूसरे निमित्त नहीं बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, 100% बनते हैं, इसीलिए तो व्यक्ति बचना चाहता है, एकांत में रहना चाहता है उनकी उससे, लेकिन जब वहाँ अपरिहार्य स्थिति आ जाती है कि भाई ये तो अपरिहार्य, इससे तो बच ही नहीं सकते हैं ना, तो वहाँ पर फिर मेरे को सावधान होना है, और सावधान होकर के फिर जो मेरा एक्सपीरियंस है वो फिर अब वो मेरा ज्ञान बन गया, वो दूसरे का नहीं है। अब जब मैंने किसी भी बात को, ये तो एक बात है, ऐसी किसी भी बात को मैंने 5, 7, 10, 20 बार उसको अप्लाई करके देखा और वो वैसा ही निकला जैसा मैंने सुना था या पढ़ा था, तो अब वो चीज़ मेरी है, तो अब मैं उसको कह सकता हूँ। 8 दिन के बाद महात्मा गांधी कह सकते थे इसको गुड मत दिया करो। तो ऐसे ही यहाँ बात चल रही है, दृष्ट अदृष्ट प्रयोजना नाम दृष्टाभावे, दृष्ट का अभाव होने पर फल दिख नहीं रहा है तो वहाँ क्या होता है, दृष्टाभावे प्रयोजनम अभ्युदयाय, दृष्ट का अभाव होने पर भी जो कर्म हम कर रहे हैं उसका प्रयोजन क्या है, अभ्युदय। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि अभ्युदय हमने सोच लिया केवल भौतिक उन्नति, लौकिक उन्नति, लेकिन यहाँ पर वैशेषिक दर्शन के अनुसार निःश्रेयस है केवल मोक्ष प्राप्ति, और मोक्ष प्राप्ति से पहले जो भी हमारा उत्कर्ष है, चाहे वो लौकिक उत्कर्ष है चाहे वो हमारा आंतरिक उत्कर्ष है, वो सारा किस में आता है, अभ्युदय में आता है। जैसे हम अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं, हम अपने चित्त को, अपने अंतःकरण को पवित्र निर्मल बनाने की कोशिश करते हैं, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं हो पाएगा। तो ये सारा, जैसे चित्त को निर्मल करना है उसके लिए हम जो प्रयास करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, अपने विचारों के प्रति सजग होते हैं, अपने अंदर अवेयरनेस लाते हैं, तो ये सारे कर्म कैसे हैं, अदृष्ट फल वाले, दिखता नहीं है ना इनका फल दूसरे को, तो ये सारा दृष्टा अभावे, दृष्ट का अभाव होने पर जो फिर हम कर रहे हैं उसका प्रयोजन क्या है, अभ्युदयाय, अभ्युदय के उत्कर्ष के लिए। अभ्युदय का उत्कर्ष क्या है, अभ्युदय की प्रारंभ क्या है, लौकिक भौतिक शारीरिक, इनका उत्कर्ष, ये अभ्युदय का प्रारंभ है, और अभ्युदय का उत्कर्ष क्या है, चित्त की नितांत निर्मलता, क्योंकि चित्त की नितांत निर्मलता होते ही फिर क्या होगा,
असंप्रज्ञात समाधि लगेगी, असंप्रज्ञात समाधि के बाद फिर मोक्ष होगा, तो वो उत्कर्ष है। तो हमें दृष्टादृष्ट प्रयोजनानाम दृष्टाभावे प्रयोजनम अभ्युदयाय, दृष्ट और अदृष्ट प्रयोजन वाले कर्मों में से दृष्ट प्रयोजन के अभाव में अभ्युदयाय प्रयोजनम, अभ्युदय या कल्याण के लिए जो कर्म करते हैं वो दृष्ट का अभाव होने पर उसका प्रयोजन होता है। इसी जन्म में होने वाले फल का नाम दृष्ट है, जैसे खेती व्यापार आदि से होने वाला, और अगले जन्म में होने वाले फल को अदृष्ट, अगले जन्म में भी नहीं, इसी जन्म में, जैसे चित्त की निर्मलता आदि हैं इसी जन्म में हम कर सकते हैं, पर वो अदृष्ट है, जब हम उसके लिए प्रयास करते हैं तो उसी को यहाँ पर अभ्युदय कह दिया। तो इसको आप पढ़ लेना फिर, विशेष है दृष्ट और अदृष्ट का। अन्य व्यावहारिक अर्थ भी है कि जिन कर्मों का फल आत्मसंस्कार रूप में कर्ता को ही मिले वो अदृष्ट है, और जिनका फल अन्यों को भी मिले, अन्यों को मिले या अन्यों को दिखे, अन्यों को ना भी मिले पर दूसरों को जो दिखता है वो है दृष्ट है। तो कुछ व्याख्याताओं का कहना है कि कर्मों का शीघ्र प्राप्त होने वाला फल दृष्ट और देर से मिलने वाला फल अदृष्ट, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे हम बीज बोते हैं ना तो उनका फल दिख ही जाता है एक दो महीने के बाद भी, तुरंत तो नहीं दिखता है बीज बोते ही तो, पर वो तो दिख ही जाता है, तो वो दृष्ट में ही आ जाएंगे, वो अदृष्ट में नहीं आएंगे। अब सूत्रकार दृष्ट और अदृष्ट फल वाले कुछ वैदिक कर्मों का उदाहरण दे रहे हैं। तो सूत्र बोलिए, अभिषेचन, उपवास, ब्रह्मचर्य, गुरुकुलवास, वानप्रस्थ, यज्ञ, दान, प्रोक्षण, दिग्नक्षत्र, मंत्रकाल, नियमाश्च, अदृष्टाय। ये अदृष्ट के लिए कुछ कर्म हैं। अभिषेचन, अभिषेचन माने वैसे स्नान होता है, पर यहाँ ये जो स्नान है जो भौतिक स्नान है वो नहीं, ज्ञान का स्नान, स्नातक, इसीलिए उसको स्नातक कहते हैं ना, कि स्नान का अंत हो गया, उसने पूरा स्नान कर लिया, ज्ञान स्नान, ये हो गया अभिषेचन। उपवास, उपवास के कई अर्थ हैं। उपवास का अर्थ जैसे भोजन न करना उसको भी उपवास कहते हैं, या फिर उपासना, इसका जो आंतरिक यहाँ पर जो वैदिक अर्थ लिया जाएगा वो है उपासना। उपासना में हम क्या करते हैं, ईश्वर के पास बैठते हैं। ईश्वर के पास बैठते हैं मतलब ईश्वर कोई ऐसे तो है नहीं हमारे जैसे शरीर है वो हमारे पास आके बैठ गया या हम उसके पास बैठ गए, उससे तादात्म्य स्थापित करना, उसके गुणों के साथ अपनी चेतना को लिंक करना, जैसे चार्जर जोड़ते हैं ना, ऐसे चार्जर जोड़ना अपना आत्मा का परमात्मा के साथ, यही उपासना है। तो अभिषेचन, उपासना, ब्रह्मचर्य, गुरुकुलवास, वानप्रस्थ, यज्ञ, दान, प्रोक्षण, प्रोक्षण माने पवित्र करना, सिंचन करना, दिग नक्षत्र, ये प्रोक्षण कर्म कौन से होते हैं, पवित्र करने वाले, तो उसमें भी यही आएंगे, आंतरिक पवित्रता देने वाले जो यम नियम आदि हैं। दिक्कर्म, दिक्कर्म माने दिशाओं के ज्ञान को ध्यान में रख करके किए गए कर्म, इस दिशा में सिर रख करके नहीं सोना चाहिए, इसमें करके सोना चाहिए, इस प्रकार दिशाओं का ध्यान रखना, तो उनको कहेंगे दिक्कर्म। नक्षत्र कर्म, नक्षत्रों की, नक्षत्रों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए कर्म करना, जैसे नामकरण आदि संस्कार करते हैं ना, किस नक्षत्र में पैदा हुआ तो उसी देवता के लिए आहुति आदि दिलवाना, तो वो नक्षत्र कर्म हो गई। मंत्र कर्म, मंत्र आदि का जाप, काल, काल को ध्यान में रख करके कर्म करना, तो काल नियमाश्च अदृष्टाय, ये सारे कर्म किसके लिए हैं, अदृष्ट फल के लिए हैं। स्नान, उपवास, ब्रह्मचर्य, गुरुकुलवास, वानप्रस्थ, यज्ञ, दान, प्रोक्षण, दिग नक्षत्र, मंत्र, काल, नियम आदि कर्म अदृष्ट फल के लिए हैं। नित्य शुद्ध जल से स्नान करना, ये तो आलंकारिक वर्णन है,
क्योंकि जो नित्य शुद्ध जल से स्नान करना है ये तो अदृष्ट के लिए नहीं, ये तो दृष्टि फल मिल जाता है, इसका तो दिख ही जाता है वो। तो विद्या से जो स्नान करेंगे हम, ज्ञान का स्नान, वो अदृष्ट के लिए। हैं? ना ना, चय से तो और संहार कर रहे हैं। नियमाश्चय है ना, जो केवल ये ही नहीं है अदृष्ट के लिए, ऐसे ऐसे और भी कर्म हो सकते हैं, तो ये संहार के लिए। तो ऐसे ही उपवास, तो उपवास का अर्थ आचार्य जी ने किया है पेट में विकृति आने पर भोजन ना करना, या बुराइयों को छोड़ करके गुणों के साथ रहना, ये अच्छा अर्थ है। ब्रह्मचर्य ये आप समझते हैं, गुरुकुलवास, वानप्रस्थ, यज्ञ, दान, प्रोक्षण, दिख, दिक्क का वही है पूर्व आदि दिशाओं में विशिष्ट कार्य करना, पूर्वाभिमुख होकर संध्या करना, उत्तर की ओर सिर करके ना सोना, ये दिशामूलक नियम वैज्ञानिक हैं, तो ये इनको ध्यान में रख के कर्म करना। ऐसे ही नक्षत्र, मंत्र, मंत्रोच्चारण पूर्वक यज्ञ आदि कर्म करना, या अच्छी तरह विचार कर, ये ज़्यादा संगत अर्थ है मंत्र का। मंत्र कर्म माने मनन पूर्वक कर्म करना, जो भी कर्म हम करते हैं पहले उसका हम मनन कर लें कि इसका क्या रिजल्ट क्या निकलेगा। काल, काल का मतलब उत्तरायण आदि काल विशेष को ध्यान में रख करके कर्म करना, या वैसे भी काल मतलब बोलते हैं ना भाई स्थान काल आदि को ध्यान में रख करके इस समय मेरा क्या समय है, मुझे क्या करना चाहिए, उसको ध्यान में रख करके। तो इसी को ही मतलब वो जैसे बिगाड़ देते हैं ना, तो लोग फिर ऐसे उसका उल्टा भी करने लगते हैं समाज में कि भाई ये काल कोई उपासना करने का थोड़ी है, अभी तो आप युवा हो, ये उपासना आदि करने का काल तो आएगा 50-60 वर्ष के बाद, ये अभी से कोई योग करने की उम्र थोड़ी है, ऐसे भी कह देते, तो उसका दुरुपयोग भी है। तो हमें तो क्या करना है, यही काल मेरे पास है, क्योंकि उस समय तक तो मैं पता नहीं रहूं कि ना रहूं, और रहूं तो भी तब मेरी शक्तियों का क्या होगा उस समय। यावद स्वस्थ इदम शरीरम अरुजम यावद जरा दूरत यावद चेंद्रिय शक्ति रप प्रतिहता यावद क्षयो नायुषः आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषः कार्य प्रयत्नो महान संदीप्ते भवने तु कूपखननम प्रत्युद्यम कीदृश। जब तक ये शरीर ठीक है तब तक ही कर लो, अभी तो ठीक ठाक है ना, जब तक ये जरा से युक्त नहीं हुआ है। यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजम् यावत् जरादूरतो यावत् चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः तावस्यसि तावदेव विदुषः कार्य प्रयत्नो महान संदीप्ते भवने तु कूपखननम् प्रत्योद्यमः कीदृशः संदीप्ते भवने तु कूपखननम् प्रत्योद्यमः कीदृशः। जब घर में आग लग गई उस समय कुआं खोद के उसको बुझाएंगे, ये कौन सी समझदारी की बात है कि जब शरीर बूढ़ा हो जाएगा चला भी नहीं जाएगा उस समय भगवान का सिमरन करेंगे, तो ये तो नादानी की बात है। तो काल आदि को ध्यान में रख करके कर्म करना, ये अदृष्ट के लिए तो सबसे बढ़िया टाइम है, क्योंकि बचपन में तो कुछ ज्ञान होता ही नहीं है, जैसा जैसा बताया वैसा वैसा कर लिया, यही तो समय है जब मेरे को समझ भी है, जब मेरे अंदर शक्ति भी है,
तो इस समय में मैं उस प्रयोजन को पूरा कर लूं जिस प्रयोजन को इसी शरीर में पूरा किया जा सकता है, अन्य शरीरों में पूरा नहीं किया जा सकता। और बाकी के कुछ सुख आराम भोग करने हैं तो वो वृद्धावस्था में भी देख लेंगे, बैठेंगे ना खाट के ऊपर तब देख लेंगे। अभी तो सारा तपस्या वाला काम अभी निपटा देते हैं, तपस्या के फल को अभी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये है समझदारी की बात, काल को ध्यान में रख करके, और उत्तरायण आदि का भी इसमें ध्यान रखा जा सकता है। नियम, समाज और शासन की व्यवस्थाओं का पालन करना, माने जो भी नियम बने हुए हैं समाज के और अपने जिस संस्थान में रहते हैं वहाँ के या अपने जीवन के जो भी हमारे लिए ऋषियों ने नियम बनाए हैं उनका पालन करना और यम नियम आदि का पालन करना। इसी प्रकार अन्य कर्म, चकार से अन्य कर्म भी ले लिए जाएंगे। इसी प्रकार अन्य कर्म दृष्ट फल के साथ साथ अदृष्ट फल को देने वाले होते हैं, क्योंकि इनमें उदात्त भावनाओं की वृद्धि, शारीरिक मानसिक आत्मिक शुद्धि से आध्यात्मिक मार्ग में भी प्रगति होती है। ये कर्म इस जन्म में शीघ्र तथा देर से और अगले जन्मों में भी आत्म संस्कार के द्वारा अभ्युदय को देने वाले और जन्म मरण का क्रम छूटने पर मोक्ष फल को दिलाने में सहायक होते हैं। तो आगे बता रहे हैं ये वैदिक कर्मों को दृष्ट और अदृष्ट प्रयोजन में, प्रयोजन के भेद से दो भागों में विभक्त करके अब सूत्रकार उपधा और अनुपधा के भेद से भी वैदिक कर्मों को विभक्त कर रहे हैं। वैदिक कर्म हैं उनके पहले दो भेद कौन से हैं? दृष्ट और अदृष्ट प्रयोजन वाले। वैदिक कर्म तो करना है हमें, पर उनमें कुछ दृष्ट प्रयोजन वाले हैं, कुछ अदृष्ट प्रयोजन वाले हैं। फिर उनके साथ साथ ही कुछ उपधा रूप कर्म हैं, कुछ अनुपधा रूप कर्म हैं। तो उपधा अनुपधा का स्वरूप तो अगले सूत्र में बताएंगे, पहले ये इनका फल बता दे रहे हैं। तो सूत्र बोलिए, चातुराश्रम्य उपधा अनुपधाश्च। जो चार आश्रम हैं ब्रह्मचर्य आदि, तो ब्रह्मचर्य आदि चारों आश्रमों में विहित कर्म उपधा रूप और अनुपधा रूप होकर के फल देते हैं। वो उपधा मतलब होता है दोष का न होना, सॉरी दोष होना उपधा, और अनुपधा माने दोष का न होना। तो इन चारों ही वर्ण आश्रमों में विहित जो कर्म हैं, तो वो दोष सहित कोई कर्म हम कर रहे हैं अपने वर्णाश्रम में तो वो उपधा कर्म हो गए, और दोष रहित होकर के कर रहे हैं तो अनुपधा हो गए। वेदादि शास्त्रों के अनुसार तो ये सब चारों आश्रमों के, ये आपने वेदांत में भी पढ़ी लिए, ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या क्या करना चाहिए, गृहस्थ में, वानप्रस्थ में और संन्यास। अब सूत्रकार उपधा और अनुपधा की स्वयं ही व्याख्या कर रहे हैं चौथे सूत्र में। सूत्र बोलिए, भाव दोष उपधा अदोषो अनुपधा। भाव दोष माने जिसमें भावना दोष पूर्ण है, कर्म तो वही कर रहे हैं जो वैदिक हैं, लेकिन भाव शुद्ध नहीं है। जैसे हवन भी कर रहे हैं, व्यायाम प्राणायाम भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, लेकिन उन कर्मों को करते हुए जो भाव होना चाहिए और जो चाव होना चाहिए वो नहीं है। कर किस लिए रहे हैं कि नहीं तो शिकायत लग जाएगी हमारी तो शिकायत लग गई फिर वो किस किस के पास जाएगी, इससे अच्छा तो चले ही जाते हैं, चलो वहाँ जाके भले लटका मारना पड़े, सोते रहते हैं ना ऐसे, वहाँ जाके सो लेंगे कोई बात नहीं, चले जाते हैं। तो ये हमारा कर्म कैसा हो जाएगा? उपधा। और अदोषो अनुपधा, जिसमें दो भाव में दोष नहीं होता, भावना पवित्र होती है, तो वो अनुपधा। अश्रद्धा से तथा सत्कार या लाभ की इच्छा से या राग द्वेष आदि दोषों से युक्त होकर के कर्म करना उपधा कहलाता है।